Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Priti Singh, your educator, and today we will be studying environmental pollution for your upcoming UPSC prelim examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel, simplifying UPSC with each, and the link is given below in the description box. So, before we begin, here is a small announcement, dear students. An Academy has launched T20 daily current of your free test series. For the month of December 2020, wherein you will be able to solve current affairs based best advisory MCQ daily at 7.30 pm, thereby reducing your chances of losing marks in prelims 2021 and 2022. The questions are created by top and academy educators and also you will be getting detailed analysis of the solutions in the queues by Atish Mathu sir. The test will be taken daily at 7.30 pm. द थ्रो विच यू कैन डेली रिवाइज यूर करंट अफेयर प्रिपरेशंस डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग एप साइन इन और रजिस्टर्स योर सेल्प सेट द कॉल एज यू पी एस सी सी एस सी एंड क्लिक ऑन द लिंक दैट इज गिवन बिलो यूज कूड अर्पिता अटेंड टू अनलॉक ऑल द प्लस फीचर्स ऑन द एप फॉर फ्री इन रोल नाउ इन हरीअप नाउ कमिंग टुअर्ड्स आवर टॉपिक दैट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जिसमें हम लोग ये सारे जो टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में जानेंगे सबसे पहले मतलब समझेंगे उसके बाद से इसके क्लासिफिकेशन समझेंगे इन्वामेंटल पॉल्यूशन के देन कौन कौन से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है जैसे कि एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन शॉयल पॉल्यूशन नॉइज़ पॉल्यूशन और डिफरेंट डिफरेंट जो पॉल्यूशन होते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट अगर आप जो सिंपली बोलो कि आप पॉल्यूशन से क्या समझते हैं तो आप बोलेंगे कि जहाँ पे भी अगर इन्वामेंट में कोई ऐसे सब्सटेंस हम लोग ऐड करते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट जो इनबैलेंस हो रहा है उसकी वजह से लोगों के हेल्थ पे लिविंग बींग एज वेल एज जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उस पर अफेक्ट हो रहा है तो सिंपली अदरवाइज में आप भी क्या कर सकते हैं एडिशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मटेरियल्स टू द फिज़िकल इन्वायरमेंट जो कि हमारे सेहत के लिए या किसी के लाइफ के लिए बहुत ही खतरा है चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स हो या एक्वेटिक इको सिस्टम कोई भी इको सिस्टम है बहुत इफेक्ट करता है जैसे कि एग्जाम्पल इसे एयर पोल्यूशन सॉयल पोल्यूशन अब आता है कि जो मटेरियल्स की मैं बात कर रही हूँ जो ऐड किए जाते हैं उस मैटेरियल को क्या बोलते हैं तो जो मैटेरियल्स ऐड होते हैं हमारे फिजिकल एनवायरमेंट पे और उनकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है उन्हीं मेटेरियल को हम लोग क्या टर्म नाम देते हैं पॉल्यूटेंस ये जो पॉल्यूटेंस है ये कहाँ से आते हैं ये जैसे कि इंडस्ट्रीज होती है ऑटोमोबाइल्स होती है या प्लास्टिक्स या जो भी मैटेरियल्स हैं या ई वेस्ट ये सारे हमारे क्या होते हैं पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं एंड दे आर लाइक मैटेयल्स और वेस्ट मैटेयल्स अब देखते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे की गई है पहला जो बेस इसका क्लासिफिकेशन वो है वो है इस बेसिस पे कि किस टाइप में इन्वायरमेंट पे पाया जाता है वैन दे परसिस्ट आफ्टर रिलीज इन टू दिन इन्वायरमेंट जैसे कि पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड दूसरा होता है सेकेंडरी पॉलिटेंस प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हमारे इन्वामेंट में पाए जाते हैं जैसे कि डीडीटी एंड प्लास्टिक डायरेक्टली वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट भी करते हैं फाइल जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं इन्वामेंट में जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ कोई अदर पॉल्यूटेंट्स मिल जाते हैं तब हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की फॉर्मेशन होती है जैसे कि अगर आप इग्जाम्पल लेते हैं पैरॉक्सीटाइल नाइट्रेट्स ये जो पैरॉक्सीटाइल नाइट्रेट है ये बेसिकली जब दो आप बोल सकते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं तब जाके आपका पैन का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वैसे ही आपका आता है दूसरे बेसिस पे वो है अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर उस बेसिस पे दो टाइप्स में है पहला है क्वांटिटेटिव एंड दूसरा है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मतलब क्या कि अगर कोई सब्सटांस हमारे हमारे अर्थ अर्थसर्च पे है और उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से वो पॉल्यूशन का काम करता है जैसे सी ओ टू सीओ टू तो वैसे ग्रीन हाउस गैस है पर अगर इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जा रही है तो वो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है दूसरा पे जैसे कि फंगीसाइड्स हर्बिसाइड्स दिस ऑल आर क्वालिटेटिव जो क्वालिटी जैसे हम लोग खेत में यूज करते हैं तो हमें पता है कि वो तो फर, वहाँ पे सॉइल को फर्टिलाइज कर रहा है वहाँ पे सॉयल से उसको उपजाई बना रहा है साथ साथ में उसका एडवर्स इफेक्ट भी देता है देता है सॉइल पॉल्यूशन वहाँ पे होता है सो तो ये हो जाता है हमारा क्वालिटेटिव दूसरा क्या होता है जो तीसरा हमारा पोल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन वो है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ द डिस्पोजल्स कि मतलब वो दि, बार बार दि, वो कौन से पॉल्यूटेंट्स है जो पूरी तरह से डिस्पोजल उन, उनका खात्मा खत्म हो जा रहा है और वैसे जो खत्म नहीं हो रहे हैं तो वैसे पॉल्यूटेंट्स जो कभी ख़त्म नहीं होते उनको नॉन बायोडिग्रेबल बोलते हैं और वैसे जो हमारे यूनिवर्स में बायोड मतलब बार बार, बार तो वो डिग्रेडेबल है मतलब वो डिकम्पोज हो जाते हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या कि जो भी हमारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम से जो डाई कर जाते हैं वो डिकम्पोजिशन का होता है फिर वो बायोडिग्रेबल है वाइल्ड नॉन बायोडिग्रेबल क्या हो जाएगा जो प्लास्टिक्स है दीज आर दो सब्सटेंस जो कि कभी भी रिसाइकल नहीं होते हैं और कभी भी डिकम उनका डिग्रेडेशन नहीं होता है डिकम्पोजिशन नहीं होता है दैट्स वाई बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए लास्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है नेचुरली ओरिजिन हुए हैं या ह्यूमन बींग्स की वजह से ओरिजिन हुए हैं तो जो नेचुरली और ऑरिजिन होते हैं उन क्या बोलते हैं नेचुरल पॉल्यूटेंट्स और जो ह्यूमन बींग्स के वजह से ऑरिजिन होते हैं उनको क्या बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक्स है? अब देखते हैं जो पहला हमारा टाइप से पॉल्यूशन का वो है एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन मतलब क्या है कि अगर हम लोग एटमोसफियर में वहाँ पे एटमोसफियर में अगर हम लोग ऐसे सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं हमारे वजह से कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं जो वहाँ के एयर को अफेक्ट कर रहा है और एयर को पॉल्यूट कर रहा है देन दैट टाइम इट इज़ नॉन एज एयर पॉल्यूशन या आप बोल सकते हैं कंटिमिनेशन ऑफ एयर बाय द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इफेक्ट्स भी देखेंगे पर अगर नॉर्मल आपसे इफेक्ट बात करूँ तो अगर एयर में बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस ऐड होंगे तो व्हाट विल हैपन कि हेल्थ प्रॉब्लम होगा साथ साथ फिज़िकल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा प्रॉपर्टी को क्लाइमेट चेंज की सारी इफेक्ट्स हमें दिखाई देती है अब आता है कि वाटर सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन इसके सोर्सेस क्या क्या हैं और उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं तो पहला जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड्स ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो बेसिकली इट इज़ कलरलेस एंड ऑड्यूरलेस बट ये प्रोड्यूस कैसा होता है बेसिकली ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है जब कार्बन इनकम्प्लीट बर्न होता है तब जाके हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन है जैसे कि आप बात करते कार्बन में कौन कौन सा आ सकता है पेट्रोल डीजल उड ये सारे पेट्रोल है या डीजल है ये इन सब में कार्बन की मात्रा होती है तो कार्बन बेस्ड जो भी फ्यूअल्स होते हैं उनके इनकम्प्लीट बर्निंग से हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है साथ साथ जो सिगरेट से उस जब उसको भी जलाते हैं तो उसकी वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से रिलीज होता है जिसके वजह से हमें इफेक्ट्स देता है कि हमारे अब ब्लड में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है बहुत कम हो जाता है और उसकी वजह से हम हमें बार बार नींद आती है और हम कन्फ्यूज होते हैं दूसरा जो हमारा सोर्स है वो है हमारा बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है बट अगर ज़्यादा इसकी मात्रा इन इंक्रीज कर जाती है तो ये ह्यूमन के हेल्थ पे भी नेचुरल नेचुरल इन्वायरमेंट हर तरफ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है थर्ड इज़ क्लोरो्लोरोबन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सी एफ सी ये जो क्लोरोफ्लोरोबन से तब होता है जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स या रिफ्रिजरेट रिफ्रिजरेटर है वहाँ से जब रिलीज होती है हार्मफुल सब्स्टान्स तो वो हमारे पूरे हमारे एयर को पोल्यूट करती है जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लेशन होता है और जब ओजोन डिप्रेश ओजोन की जब डिप्लेशन होगी तो स्वाभाविक बात है कि सूरज की किरणें जो है अल्ट्रावाटरेज हमारे अर्थ सर्फिस पर पहुँचती है और वो हमारे अर्थ सर्फेस को नुकसान पहुँचाती है फोर्थ इज़ लीड।, लीड लीड मतलब क्या है ये जो लीड है आप देखेंगे कि बेसिकली जो जैसे कि कुछ ऐसे सब्स्टांस होते हैं जिनके अंदर ये पाए जाता है जैसे पेट्रोल डीजल लीड बैटरी जब इवन जो हम लोग बाल कलर करने के लिए जो हम लोग कलर डाई यूज़ करते हैं उसके अंदर भी लीड पाई जाती है तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इनका इफ़ेक्ट बेसिकली सबसे ज़्यादा हमें चिल्ड्रन्स पे दिखता है खास करके अगर हम बात करें इसे इसके इफेक्ट्स की तो नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और ये नर्वस सिस्टम को डैमेज भी कर सकता है सात सा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी इसे होते हैं नेक्स्ट जो है वो है हमारा ओजोन पता है कि ओजोन जो है हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली पाया जाता है बट जब ओजोन की कंसेंट्रेशन हमारे लोअर एयर लोअर लेयर में इंक्रीज कर जाती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और ये हमारे आई को ईज करता है बर्न करता है साथ साथ इसकी वजह से स्मोक एंड एसेंट्रेंस होते हैं सिक्स इज द सस्पेंडेड पार्टिकुलर्ट मैटर ये जो बेसिकली सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है हमारे हमारे एयर एटमोसफियर में सस्पेंड रहते हैं मीन्स आप बोल सकते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे एयर पूरे एटमोसफियर में वही हमारे होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स इसकी वजह से क्या होता है कि जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है मीनस लाइक बोल सकते हैं डस्ट की तरह अगर वो है तो उनकी मात्रा बढ़ने की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है साथ साथ में लंग्स डैमेज होते हैं एंड सेवेंड जो है सल्फर डाइऑक्साइड ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि ये जब कोयल की बर्निंग होती है जैसे कि थर्मल पावर प्लांट से अगर कोयल वहाँ से आपको देख रहे हैं बर्न हो रहा है उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसका इफेक्ट्स क्या होता है कि स्मोक एंड एसिडेंट्स होते हैं अब बताया है कि स्मोक क्या होता है जैसे मैं यू यूज़ कर करूँ स्मोक तो स्मोक भी एक तरह का पॉजिटेंस ही है जो हमारे एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है ये क्या करता है बेसिकली फोब और स्मोक होते हैं जब दोनों मिलते हैं तब जाके हमारी स्मोक की फॉर्मेशन होती है और ये हमारे हमारे ये एयर को बहुत ज़्यादा ही पोल्यूट करता है हम लोग देखते हैं कि स्मोक की फॉर्मेशन कैसे होती है तो बेसिकली स्मोक की फॉर्मेशन सिंपली क्या होगा कि जब अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन से आ रही है डायरेक्टली और वो जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ मिलती है जो कि हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हमारा स्मोक का फॉर्मेशन होता है जैसे कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है दैट इज ऑल्सो नोन एज समर स्मोक उसकी फॉर्मेशन ऐसे ही होती है कि जब यू रेज प्लस नाइट्रोजन ये दोनों जब मिलेंगे तब हमारे फॉर्मे नाइट्रोजन ऑक्साइड तब हमारे स्मोक की फॉर्मेशन होगी फ़ोटोकेमिकल स्मोक की अब आता है कि फ़ोटोकेमिकल स्मोक जो हैं ये क्या करते क्या नहीं करते ये बेसिकली करते क्या है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो तो फोटोकेमिकल स्मोक है ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे यूनि हमारे पूरे एटमोसफियर में जब बेसिकली कब सबसे ज़्यादा इनकी मात्रा बढ़ेगी जब समर रहती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और जहाँ पे पॉल्यू बोल सकते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है या इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स दिखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि ये फिजिबिलिटी को हेम्पर्स करता है साथ साथ इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है रेस्पेटरी प्रॉब्लम्स लाएगा इवन जो बहुत सारे डिजीज भी होते हैं इसकी वजह से इफेक्ट्स भी पड़ेगा स्वाभाविक बात है कि अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड जब यूवी रेज के साथ मिल रहा है तो उसके इफेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे ऑल्सो यहाँ पे होगा क्या कि जब सनलाइट अच्छे से नहीं आ रही तो विटामिन डी की कमी होगी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिकेट्स की प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती है तो स्मोक के ये इफेक्ट्स हो गए अब देखते हैं कि हमारे एयर पॉल्यूशन में एक और पार्ट आता है दैट इज़ इंडोर एयर पोल्यूशन जो हमारे घर की वजह से जैसे होम के आसपास जैसे कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है या जो भी आसपास रूरल एरियाज हैं ये सारे क्या हो गए इनकी यहाँ जब हमारे कुछ सब्सटेंस ऐड हो रहा है फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल जो भी पॉल्यूशंस है वो एड होके और ये पूरे हमारे इंडोर्स इको को अफेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा इंडोर एयर पोल्यूशन दिखा दिखाई देता है इसमें आता है कि, कि आखिर कौन कौन से पोलूटेंट्स से हमारे ये इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स के तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर इंडोर एयर पॉल्यूशन साथ साथ टोबैको जो हम लोग गांव में मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं इसका भी इफेक्ट दिखता है हमारे इंडोर पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इंडोर एयर पॉल्यूशन की तो आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि विलेज और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा थ्रेड दिखता है इंडोर पॉल्यूशन का टाउनस में अर्बन एरियाज़ में तो कम दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें बहुत कम मात्रा में यूज़ हो रही है वाइल अगर आप विलेज में देखेंगे तो आप जितने भी यहाँ पे पॉल्यूशनस के मैंने नाम लिखे ये सारी पॉल्यूशन आपको विलेज एरिया में बहुत ज़्यादा दिखाई देगी और यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा सुविधा भी नहीं है हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है फ्लाई एसट ये हमारे एयर पोल्यूशन का भी पार्ट है तो फ्लाई एस एस का मतलब क्या होता है जो एस होता है बेसिकली आप बोल सकते हैं जब सॉलिड मेटेरियल की बर्निंग होती है और उनके वजह से जब कम्बशन होता है तो उस वक्त हमारे एस्ट की एस जो प्रोड्यूस होता है तो वही जो फ्लाई एस है अगर एयर में आपका एस जो तो फाइन पार्टिकल्स में उड़ते हुए दिखाई दे रहा है एन दैट टाइम इट इज़ नॉन एज फ्लाई एस्ट बट वहीं अगर जो हमारा ऐसा एसट है जो कि ऊपर की तरफ उड़ नहीं रहा है एंड दैट टाइम इट वुल बी नोन एज बॉटम एज सो ये जो एशिया इसकी कम्पोजिशन क्या होती है तो इसकी कंपोजिशन तीन चीज़ों से होती है पहला एलिमेंट सिलकेट्स दूसरा सिल्कम सिल्कन डाइऑक्साइड एंड थर्ड इज द कैल्सियम ऑक्साइड ये जो है आप समझ सकते हैं कि अगर कंबस्टन हो रही है सॉलिड मेटेरियल्स की तो स्वाभाविक बात है कि इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारे रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स हमें हो सकता है या फिर जो प्लांट्स हैं उनकी इल्ड है उसमें आपको थोड़ा मात्रा बहुत कम दिखाई देगा साथ इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी, भी दिखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या दिख सकता है कि अगर हम चाहें तो सॉयल को फ्लाई एस्ट में रिप्लेस कर सकते हैं साथ साथ जो इसके ब्रिक्स बनती है दे आर वेरी लाइट इन वेट एंड ऑल्सो हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी साथ साथ ये क्रॉप एल्स जो होते हैं उस अगर अच्छे से इसका इसकी मात्रा के ध्यान रखें हम लोग अगर ज़्यादा सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स का ज़्यादा कमर्शन नहीं हो रहा और लिमिटेड मात्रा में है तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी और क्रॉप एल्ड में भी हेल्प करता है नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कब एयर पॉलूशन के इफेक्ट्स क्या होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट क्या होगा हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें दिखेगा कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो सवाल की रेस्पिटरी प्रॉब्लम डिजीजे बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देगी जैसे हम लोग अभी देखे पॉलिट्रेन सब रहे थे तो वहाँ पर साथ साथ वेजिटेशन जो है वहाँ पर इफेक्ट देखेगा अगर उन्हें प्रॉपर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अच्छे से नहीं मिल रही है उनको या फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से नहीं होगी तो सवाल के जो प्लांट्स हैं वो भी डाई होंगे उनके वजह से इफेक्ट्स होगा और जो एनिमल्स उन प्लांट्स को खाएंगे उन पे भी इफेक्ट्स दिखेगा साथ और और साथ डिटोडिटेशन ऑफ मटेरियल्स एंड एस्थेटिक लॉस ये सारी जो है डिफरेंट इफेक्ट्स है हमारे एयर पोल्यूशन का अब देखते हैं कि वॉट आर द कंट्रोल मेजर्स हम लोग क्या क्या ले सकते हैं स्टेप्स और क्या क्या करना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट मेजर्स साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हमें लेना चाहिए जो एयर पोल्यूशन के जो भी पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से हमें दिख रहा है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है उनको कम करने की सोचनी चाहिए साथ साथ गवर्नमेंट्स भी बहुत सी इनिशिएटिव ली है इंडिया में अगर इंडिया में देखें तो हमारा जो है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम ये भी बेसिकली हमारे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गया है साथ साथ जो हमारा नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है इसका भी मकसद है कि एयर पोल्यूशन को कम करना और नेक्स्ट इज द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ये सारे जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है इंडिया में जिसका मेन मकसद क्या है कि एयर पोल्यूशन को कम किया जाए जो पॉल्यूट है उन फैक्टर्स को रोका जाए तो हमें ये सारी प्रॉब्लम साथ साथ लोगों को अवेयर भी कराना चाहिए इसके बारे में अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा वाटर पॉल्यूशन बेसिकली वाटर पॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि अगर वाटर में हम लोग कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस मिला रहे हैं जो वाटर को पोल्यूट कर रहा है दैन टेम इट इज विल बी नॉन एज वाटर पॉल्यूशन जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम जब इक्वेटिक इको सिस्टम पढ़े तो वहाँ पे देखिए थे कि पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इक्वेटिक इको सिस्टम को पोलूट करने में तो वाटर पॉल्यूशन मीन्स क्या कि वाटर को जो पोलूट कर रहा है उसकी क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है इवन अगर जो वहाँ पे फिशेज है जो एनिमल्स है अगर उसको लग लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा पॉइंट सोर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया था इक्वटिक इको सिस्टम में और नॉन पॉइंट सोर्स तीसरा जो है वो एग्रीकल्चरल सोर्स जैसे कि एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत से ऐसे चीज़ें जो यूज़ करते हैं और डायरेक्टली उनको ले जाकर हम लोग डिकम्पोज कर डायरेक्टली जाके उनको डाल देते हैं हम लोग इक्विक इको सिस्टम में तो उसके वजह से वहाँ का जो बैलेंस है हमारे इक्वटिक इको सिस्टम का वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ वहाँ के बहुत से एनिमल्स और स्पेसीज बहुत सी स्पेसीज जो बहुत सी फिशेज प्लांट्स हैं वो डाई हो जाते हैं अब वाटर पॉल्यूशन में भी आपका आता है कि अलग अलग उसमें हो जाते हैं कुछ हो सकता है कि थर्मल पॉल्यूशन भी सोर्स हो सकता है कुछ अंडरग्राउंड पॉल्यूशन भी सोर्स हो सकता है वाटर पॉल्यूशन के लिए साथ साथ मैराइन पॉल्यूशन भी हो सकता है बेसिकली जो थर्मल पॉल्यूशन जो होता है ये कब होता है जब थर्मल एंड न्यूक्लियर प्लांट से कुछ वाटर हॉट वाटर निकलती है और उसको ले जाकर हम डाल देते हैं वाटर वाटर में किसी भी सी ओशन में तो उसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन होता है साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ये क्या होता है जब हम लोग इंडस्ट्रियल या म्यूनिशिपल वेस्ट है उस, उसके सीपेज को डायरेक्टली हम लोग जाकर डाल देंगे अगर वाटर में तो ये इसकी वजह से हमारा अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन दिखता है एंड मेराइन पॉल्यूशन जो है इसमें क्या होता है कि, कि रिवर हमें पता है रिवर अपनी जितनी भी उनकी वाटर होती है वो ले जाकर डिस्चार्ज करते हैं और वो सब में तो अपने अगर हम लोग आजकल रिवर को भी पॉल्यूट करें तो उसकी वजह से साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी पोल्यूट करते जाते हैं मेरान इको सिस्टम को क्योंकि रिवर क्या करेगी रिवर्स के पास बहुत से छोटे छोटे प्लास्टिक्स आ रहे हैं और वो जब वो फ्लो करते हुए जाएगी तो बड़े सा ओशन है तो वहाँ पर उस प्लास्टिक से उसके साथ साथ आएगी और जो मेम्बर्स है वहाँ पर जो भी छोटे छोटे फिशे है वो उनको इट करेंगी उनको बड़े बड़ी, बड़ी फिशे इट करेंगी तो पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट्स होगा और पूरा वाटर जो है वहाँ का पॉल्यूट हो जाएगा तो ये सारे हमारे सोर्सेस हैं हमारे वाटर पॉल्यूशन के अब सो तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन तो पहला इफेक्ट्स क्या होगा कि इक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा सबसे पहले क्या करेगा कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है उसको कम कर देगा और हमें पता है कि जब डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारे वाटर हमारे इक्वेटिक इकोसिस्टम में कम हो जाता है तो उसकी वजह से कैसे इम्बैलेंस हो जाता है यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस हम लोग देखे थे जहाँ पे देखे थे कि कैसे इक्वेटिक इको सिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है दूसरा क्या कि इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ अगर ह्यूमन उस फिशेज को खा रही है जो उस वाटर में प्रेजेंट है जहाँ पे डिजॉल ऑक्सीजन की मात्रा कम है और वो वो वाटर पॉल्यूट है तो उनको ऑलरेडी फिश को भी इफेक्ट्स हुआ है और जो जो ह्यूमन बींग उसको ईट करेगा उसको भी अफेक्ट करेगा साथ साथ क्या करेगा जो हडार्स ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा दिखेगा साथ साथ बायो मैग, बायोलॉजिकल मैगनीफिकेशन दिखेगा बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन मतलब क्या कि पॉल्यूशन जो है हमारा एक फिश दूसरे फिश को खा रही है खाते जा रही है इसकी वजह से पॉल्यूशन की मात्रा जो है बढ़ते जाती है और यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस स्वाभाविक है कि दिखेगा अगर डीजल ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो तो आता है कि क्या क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं तो हेयर आर डिफरण कंट्रोल मेजर्स आप देख सकते हैं कि जैसे रिपायरियन पॉफर्स या फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर जो हम लोग एक्वेटिक इको में देखे थे ना कि क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए ताकि हमारा एक्वेटिक इको सिस्टम जब पॉल्यूट ना हो सेम आप वहाँ पे लिख सकते हैं वाटर पॉल्यूशन के लिए और सारी चीज़ें वहीं यहाँ पे वही लिखी हुई कि फ़र्टिलाइजर्स पे ध्यान देना चाहिए ये सारी चीज़ें हमें करते रहना चाहिए अब आता है कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेती है तो तो गवर्नमेंट बहुत से स्टेप्स ले रही है जैसे कि अगर आप गंगा प्रोजेक्ट्स के लिए देखिए गंगा जो है गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी गंगा वहाँ पर मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत से इनिशिएटिव लेके आए हैं या फिर अगर आप इंडिया में देखें तो बहुत से हैं जैसे नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान या फिर एन एन डब्ल्यू सी पी बहुत से प्रोटेक्ट ऐसे कंजर्वेशन है जिसकी हेल्प से बहुत से इनिशियेटिव ऐसे हैं जिसको हम लोग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉयल पॉल्यूशन सॉयल पॉल्यूशन मतलब क्या कि अगर आप सॉयल में कुछ ऐसे सब्सटेंस मिला रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल की बायोलॉजिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एफेक्ट हो रही है और उसके प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है एंड दैट टाइप टूल सॉयल पोल्यूशन तो इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या हो सकता है फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स एंड हारबिसाइड्स साथ साथ जो हम लोग बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट्स को लाकर डम्प करते हैं किसी कोई वहाँ पर गड्ढा दिखता है तो उसकी वजह से हमें सॉइल पॉल्यूशन दिखता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है डिफोरेस्ट्रेशन एंड सॉयल इरोजन मिट पेड़ों का काटना और उसकी वजह से जो सॉइल इरोजन होता है उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन हमें दिखता है साथ साथ में पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है हम लोग सॉयल को वहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो हमारे जैसे कि अगर आप ले लें मेडिकल फैसिलिटी तो जब डॉक्टर मतलब वहाँ पे जो भी यूज़ हो रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो सारी चीज़ें हम लोग ले जाके कर एक जगह फेंक देते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि सोल सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है वहाँ प्लास्टिक से आके इकट्ठे हो जा रहे हैं तो इसके वजह से सॉयल पॉल्यूशन हमें दिखता है तो इसके अदर सोर्स क्या क्या हो सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट पेस्टिसाइड्स ये सारे जो है अदर सोर्स है जो हमारे सॉइल पोल्यूशन को इफेक्ट करता है तो हमें क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए जो हमारे सोल्स मेजर्स है उनके लिए या उसके इफेक्ट्स क्या है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स एग्रीकल्चर पर देखेगा कि प्रोडक्टिविटी को फर्टिलिटी को कम करेगा साथ साथ इट विल रिड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्रीज सॉइल इरोजन हेल्थ पे क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा जो डेंडरस केमिकल जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर में इफेक्ट करेगा उसकी वजह से वहाँ पे खेती हो रही है तो उसकी वजह से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट दिखेगा इन्वायरमेंट पर इफेक्ट दिखेगा अर्बन एरियाज में इफेक्ट्स दिखेगा अब देखते हैं कि वॉट आर द टाइप्स ऑफ सॉयल पॉल्यूशन तो तीन टाइप्स को हो सकते हैं पहला एग्रीकल्चरल सॉयल पॉल्यूशन दूसरा पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल इन्फ्लुंस एंड सॉल वेस्ट एंड थर्ड इज द पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटीज मतलब एग्रीकल्चर में जो हम पेस्टिसाइड्स वो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स एड कर रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ रही है तो उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल सॉयल पॉल्यूशन दिखेगा साथ जब हम अगर दूसरी टाइप देखें तो जब हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस या सॉलिड वेस्ट को जाके उस पर फेंकते जा रहे हैं सॉयल पे तो उसकी वजह से हमारा जो पोल्यूशन दिखता है दैट इज़ पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल इन्फ्लू और इफ्लुएंस एंड सॉलिड सॉलिड वेस्ट एंड थर्ड इज़ द पॉलूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटीज़ मतलब अर्बन एक्टिविटीज जो होती है उसकी वजह से सेक्ट दिखता है कंट्रोल वीजेस क्या ले सकते हैं कि हम लोग फर्टिलाइजर्स पेस, पेस्टिसाइड्स को रोक सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग कर सकते हैं साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फोर आर्स दैट इज रीज रिड्यूस रिव्यूज एंड रिसाइकल ये सारी जो फोर आर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये हमें सॉयल पॉल्यूशन को रोकने में बहुत ही हेल्प करती है साथ में यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स एंड सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट साथ साथ जो हमारे रिडक्शन जो हमारे कंस्ट्रक्शन एरियाज है वहाँ पर जो वेस्ट हो रहा है वेस्ट है उनकी मात्रा कम करने की हमें जरूरत है अब देखते हैं लास्ट मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नॉइज पॉल्यूशन बेसिकली नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है कि जब बहुत ज़्यादा क्राउडेड बहुत ज़्यादा हल्ला होता है तो उसकी वजह से पूरा जो नॉइज़ क्रिएट होता है जो बहुत ही लोगों को इरीटेटिंग अनोइंग बनाता है वो होता है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन नॉइज़ पॉल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है ट्रैफिकिंग जेड प्लेन्स गार्बेज ट्रक्स या फिर बहुत तेज वॉल्यूम uh, में हम लोग जब गाना बजाते या कुछ करते हैं तो उसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन में दिखता है जैसे कि अगर आप बात करें साउंड के बारे में तो साउंड जो है ये एक तरह का अगर बहुत तेज़ी मात्रा में साउंड आ रहा है तो एक तरह का ये नॉइज़ है तो आता है कि साउंड को मीज़र कैसे करते हैं तो साउंड का दैट इज मीज़र इन द डेसिबल्स दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और इसकी मात्रा जब बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है तब जाके लाउडनेस का कंडीशन आ जाएगा और लाउडनेस की जब कंडीशन आती है तो हमें नॉइज़ पॉल्यूशन दिखता है अब दिखते हैं कि वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ और नॉइज़ पॉल्यूशन पहला क्या ए दूसरा क्या है ये फिजिकल इफ़ेक्ट्स करेगा लॉस ऑफ ईरिंग जैसे कि अगर हम लोग हेडफोन्स लगाते हैं तो ये भी तो एक तरह का ईयरफोन लगाते हैं तो भी एक तरह का नॉइस पॉल्यूशन होगा क्योंकि हम पूरी एकदम बहुत तेज़ वॉल्यूम में अगर सुन रहे हैं वो तो हमारे बोल सकते हैं हमारे हियरिंग में बहुत ज़्यादा इस इसका इफेक्ट होता है साथ साथ अगर ट्रैफिकिंग है बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है तो उसकी वजह से नर्वस सिस्टम में भी इफ़ेक्ट्स दिखता है साथ साथ स्लीपलेसनेस मतलब नींद की जो हमारी आदत है वो नींद भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत कम हमें आती है इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं तो हमें क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेना चाहिए पहले क्या कि हम सोर्स जो है उस पर कंट्रोल करना चाहिए मींस जो भी जैसे कि ट्रैफिकिंग ट्रैफिक जब हमारा ट्रैफिक जाम हो रहा है तो उसकी वजह बहुत ज़्यादा हल्ला होता है लाउड स्पीकर इस सारी चीज़ों को कम करना चाहिए साथ साथ कंट्रोल इन द ट्रांसमिशंस ट्रांसमिशन पाथ ये सारे में कंट्रोल करना चाहिए यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कुछ हमें ऐसे इक्विपमेंट्स लेना चाहिए जो बाहर के पोल्यूशन को हमें जो बाहर में नॉइज़ आ रहा है उस को हमारे कानों तक तो तो न जाने दें तो यू कैन रीड फ्रॉम हियर अब देखते जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ये जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है बेसिकली रेडियो एक्टिविटी की वजह से होता है रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है कि जब प्रोटोन इलेक्ट्रॉन और गामा रे का इमिशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी और इसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है एटॉमिक निकलियाई का तो उसकी वजह से हमारा रेडियो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन दिखता है उसके उसमें भी आते हैं हमारे दो टाइप्स आ जाते हैं जब रेडिएशन होता है तो पहला जो रेडिएशन होता है वो होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड दूसरा जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन ये जो जैसे आपको बात करूँ प्रोटोन इलेक्ट्रॉन्स एंड गामा पार्टिकल्स ये सब के अलग अलग नाम है जैसे कि प्रोटोन्स जो है दे आर अल्फा पार्टिकल्स वाइज जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है दे आर बीटा पार्टिकल्स और जो गमा पार्टिकल्स होते हैं दैट इज़ नॉन एज शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि हमारे सन के तरफ से आती है ये सारी डिफरेंट हमारी बोल सकते हैं पार्टिकल्स जैसे हम पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन गेज एक यू वी रेज ये सारी क्या है? हमारे एक तरह पार्टिकल से पार्टिकल्स की तरफ काम करती हैं अब आता है कि वॉट आर एंड इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है कॉस्मिक रेज जो आती है वो है हमारे सोर्स ऑफ और रेडियोटिव रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन साथ साथ जो मैनमेड अगर बात करें तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से हमें दिखता है कुछ उसमें से केमिकल्स रिलीज होते हैं साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स या यूरेनियम माइनिंग है ये सारे डिफरेंट सोर्स हैं मैनमेड जो कि हमारे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देता है हमारे इन्वामेंट में अब बताया गया है कि इसके वजह से जब आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पॉल्यूशन है उसके वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होता है तो इसके इफेक्ट्स डिपेंड करते हैं कि जो आपका सोर्स है वो किस टाइप का है जैसे कि हाफ लाइफ है इनर्जी रिलीजिंग कैपेसिटी है रेट ऑफ डिफ्यूजन है रेट ऑफ़ डिपोजिशन दिप, ऑफ द पॉल्यूटन इस बेसिस पे डिटर्माइन होता है कि कितना ज़्यादा ये हमारे इको को अफेक्ट करेगा अगर हाफ लाइफ रेट ऑफ़ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है मतलब बहुत तेज़ी मात्रा से हो रहा है या इर्जी रिलीजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे आपको जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डिफाइड डिफाइड बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है तो क्या क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं सारे कंट्रोल मेजर्स हम ले सकते हैं वैसे जो दूर रखे मतलब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए ऑल सेफ्टी मेजर्स भी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स गवर्नमेंट अच्छे से इन्फोर्स करना चाहिए साथ में जो भी मैनमेड बोल सकते हैं मैनमेड जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं उनको सेफली डिस्पोजल करना चाहिए उनको अच्छे से ऐसी जगह डालना चाहिए जो कि पूरे इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करे साथ साथ हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि बार बार न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स ना हो और उनकी वजह से पूरे हमारे इको सिस्टम इम्बैलेंस ना हो क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर स्वाभाविक बात है कि कुछ एक्टिव एलिमेंट्स निकलेंगे और जब वो एक्टिव एलिमेंट्स निकलेंगी तो हमारे पूरे उसकी वजह से एक्टिव पॉल्यूशन होता है अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ई वेस्ट ई वेस्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली वैसे सब्स्टांस वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबस्टांस जो कि उसका कोई यूज़ नहीं है कोई मतलब नहीं है जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं जो मोबाइल है या टीवी वी या लैपटॉप है अगर वो ख़राब हो गया और उसको ले जाकर हम लोग कचरा में डाल देते हैं तो लाइक इट इज़ ई वेस्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेस्ट ये क्या करते हैं कि नॉर्मली देखिए तो ये हजार ड नहीं है क्योंकि आपके घर में इसको आप कहीं फेंक नहीं रहे हैं ये पॉल्यूशन की तरह काम नहीं कर रहा है पर अगर आप इसको सेफली स्टोरेज से में नहीं रखते हैं इसको रिसाइकल नहीं करते साइंटिफिक मेथड से तो उसके बाद से इसका एडवर्स इफेक्ट हमें दिखता है जैसे कि अगर हम लोग कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स अपनाते हैं क्योंकि हमें पता है ई वेस्ट में बहुत ज़्यादा लीड कैरिनियम की मात्रा होती है मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो जब मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है और उसको हम लोग साइंटिफिक मैथड्स से रिसाइकल नहीं करेंगे तो वो हमारे पूरे इको को अफेक्ट करता है नेक्स्ट टॉपिक थर्मल पॉल्यूशन दिस इज लास्ट टॉपिक तो थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है कि अगर आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में है टेम्परेचर में राइज एंड फॉल हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन इन्फ्लुएंस उसकी वजह से हमारा थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट होता है अगर हमें पता है कि एक्वेटिक में थोड़ी सी भी ट हमारा जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा और घटेगा तो पूरी तरह से हमारे आ, एक्वेटिक इको को इम्बैलेंस कर सकता है और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो हम लोग गर्म पानी होती है जो फैक्ट्री से निकलती हैं उनको डायरेक्टली ले जाके हम लोग बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं और जब ऐसा डालते हैं तो उसकी वजह से वहाँ के बहुत से एकवेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टोटली अफेक्ट करता है और उसकी वजह से मतलब बोल सकते पूरी इम्बेलेंस हो जाती है इसके सिंपली आप सोर्स क्या बोल सकते हैं कि जो पावर प्लांट से वो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है साथ में हम लोग बिना कूल किए ही इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रील जो उसको डायरेक्टली ले जाकर उसमें डाल देते हैं या फिर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ऑफ़ द सोर लाइन दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर सोल लाइन्स होते हैं इट बोल सकते हैं इट इज़ ट्रांजिशन बिटवीन ट्रॉपिक इट इज़ ट्रांजिशन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम तो अगर वहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा जो वहाँ का वेस्ट है डायरेक्टली वो आगे किस में गिरेगा वाटर में गिरेगा वाटर में गिरेगा तो उसकी वजह से हमारा थर्मल पॉल्यूशन दिखता है सिंपली क्या होता है राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम बाई ह्यूमन इन्फ्लुएंस दैट इज नॉन एज थर्मल पॉल्यूशन अब आता है कि इसकी इकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है तो इकोलॉजिकल इफेक्ट जैसे अगर आप वार्म वाटर में देखते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा उसकी वजह से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज़ होगी और ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम का जो कंपोजिशन है वो पूरी तरह से डिफेक्ट पूरी तरह से अफेक्ट होता है साथ साथ अगर आप कोल्ड वाटर में देखें तो कोल्ड वाटर में क्या करता है कि जो भी फिशेज है या माइक्रो इन्वर्ट्रेट्स है उनके प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और ये बोल सकते हैं कि पूरे वहाँ पे स्पेसिस है जब हमारा वहाँ पे मात्रा कम होगा ऑक्सीजन सप्लाई का तो वहाँ पे आपको एक और प्रोसेस दिखेगा आपका जो यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है वो दिखेगा और वहाँ पे हजार जो हैं स्पेसिस हैं वो वहाँ पे फॉर्म होंगे और वहाँ की जो फिशेज है वो डाई होंगी तो ये हमारा थर्मल पॉल्यूशन है जिसके बारे में उसका इकोलॉजिकल इफेक्ट्स है तो हम लोग कंट्रोल में जैसे क्या क्या ले सकते हैं तो अगर हम लोग कोई भी गर्म पानी हो उसको डिस्चार्ज डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में किया अगर हम लोग उसको ठंडा करके किसी पार्टिकुलर अच्छे जगह पे प्लेस करते हैं जहाँ पे पूरे वो बड़े से वाटर बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करता है इस तरह से हम लोग करके इसका थर्मल थर्मल जो हमारा पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि इंस्टीड ऑफ डिस्चार्जिंग वाटर डायरेक्टली इनटू सी एस सी एंड ओशन वी कैन डिस्चार्ज इट इनटू द लेक्स और कोई मतलब आप बोल सकते हैं कोई ऐसा गड्ढा खोद के वहाँ पे डाल सकते हैं साथ साथ में अलग अलग प्रोसेस पे कर सकते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़